स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम आपके लिए वैक्यूम मेम्ब्रेन मशीन की इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं, प्लस साथ में सीएनसी रोटर भी जो पूरा प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं उनके लिए एक स्पेशल वीडियो बना के लेके आए हैं। आज हम लोग इस वीडियो में आपको मशीन पे कितने तरह के काम होते हैं, कैसे कैसे काम होता है उसके बारे में जानकारी देंगे। हम लोग इसकी जानकारी देंगे, इसमें कितने तरह के मॉडल आते हैं ये भी आपको बताएंगे, ये भी बताएंगे ये कितने प्राइस में आती है। और दोस्तों आपको लास्ट में सारी डिटेल के साथ आपको ये बताएंगे कि आपको एक डोर की कीमत कितनी पड़ेगी, वो भी हम लोग इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों अगर मैं इसकी मशीन की बात करूं तो हम लोग आपको ये आज सिंगल ट्रॉली मशीन दिखा रहे हैं, तो हमारे पास डबल ट्रॉली भी रहता है अवेलेबल, हम आपको सिंगल ट्रॉली मशीन रहता है दिखा रहे हैं। तो आइए मैं आपको शुरू करता हूँ मशीन के बारे में। दोस्तों ये काफ़ी हैवी स्ट्रक्चर में मेम्ब्रेन मशीन बनी हुई है, जो कि तकरीबन एक टन के वजन में, एक टन के प्लस वजन में ये मेम्ब्रेन मशीन बनी हुई है। अगर मैं इसके इलेक्ट्रिसिटी पार्ट की बात करूं तो इसमें हमने LNT और Mitsubishi के पार्ट्स यूज़ किए हुए हैं, जो कि मेड इन ताइवान के हैं, बहुत ही हाई क्वालिटी में, कभी भी ख़राब नहीं होते हैं। वैसे तो इसकी एक साल की फुल वारंटी रहती है, 24 घंटे में हमारी सर्विस ऑन कॉल रहती है। अगर दोस्त इसकी मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं तो इसमें 750 वाट का एक इलेक्ट्रिक हीटर रहता है। टोटल इसमें 21 हीटर लगे हैं, जो कि तकरीबन 17 किलोवाट लोड बनता है। इसके साथ आप लोग हमसे दो तरह के पंप ले सकते हैं, एक बोश का जो वैक्यूम पंप रहता है 2 किलोवाट का, एक इंडियन पंप रहता है 3 किलोवाट का, आप कोई भी ले सकते हैं, दोनों की एक साल की वारंटी रहती है। तो दोस्तों हम लोग इसके साथ इसके अलावा आपको ओरिजिनल सिलिकॉन की शीट देंगे। ये ओरिजिनल सिलिकॉन की शीट रहती है, जो कि एक साल तक कभी भी ख़राब नहीं होती है। आप इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी के आपके मेम्ब्रेन बनते हैं, कभी भी मेम्ब्रेन के ऊपर ख़राब नहीं होता है। अगर मैं इसकी बात करूं मॉडल की, तो ये मैंने आपको सिंगल ट्रॉली बताया है, तो अगर डबल ट्रॉली होती है तो एक ट्रॉली इसके मशीन के अंदर रहती है तो दूसरी ट्रॉली मशीन के बाहर आती है। तो वैक्यूम होने में 2 से 3 मिनट लगते हैं, अंदर वैक्यूम होता है, तो जैसे ही वो एक वैक्यूम मशीन होती है तो आप इस पर डोर रख के अपना मेम्ब्रेन लगा के तो आप इसके ऊपर तैयारी कर सकते हैं। जैसे वो 3 मिनट के बाद 4 मिनट के बाद बाहर आती है तो आपको इस साइड से उसको अंदर करना होता है। अभी ये सिंगल ट्रॉली है, वहाँ से बाहर नहीं आई है, अगर डबल ट्रॉली रहती है तो इस तरीके से एक ट्रॉली उस साइड में लग जाती है, तो आपको 2 से 3 मिनट वेट करना है। तो सिंगल ट्रॉली आपका, अगर कुछ भी रखा हो आपने, किचन कैबिनेट रखी हो या आपने मेम्ब्रेन डोर रखा हो, तो आप इसमें इस तरीके से खोल के तो आप इसमें काम कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया इसमें 2 तरह के मॉडल आते हैं, सिंगल ट्रॉली और डबल ट्रॉली। बाकी आप इसमें बोश का पंप ले सकते हैं, जर्मनी का पंप ले सकते हैं या इंडियन पंप भी ले सकते हैं। इसका जो साथ में यूज़ होता है ज़्यादातर वो CNC राउटर रहता है, आप मेरे पीछे देख सकते हो, बहुत सारे हम लोग CNC में, तो इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, तो हम लोग CNC राउटर भी प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप ये दोनों मशीनें एक साथ लेते हो तो हम आपको एक बहुत अच्छा कॉम्बो ऑफर प्राइस देंगे, जो बहुत बढ़िया रहता है। तो दोस्तों अगर मैं इसके दाम की बात करूँ तो ये 2,70,000 रुपये से 4.5 लाख रुपये तक मशीन रहता है, डिपेंड करता है आप कैसे, आप इसको किस तरीके का मॉडल आप लेना चाहते हो। तो अगर मैं आपको इसकी बात करूं, अगर एक डोर आप बना रहे हो जैसे 7x3 का बना रहे हो, तो अगर मैं मेम्ब्रेन की बात करूं तो तकरीबन उसके ऊपर जो कॉस्ट आती है 45 रुपये मीटर से लेके 60 रुपये मीटर तक आती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी और मैं उसकी बात करूं, अगर केमिकल की वगैरह, तो मतलब राउंड मोड ऑन एवरेज 50 रुपये मीटर आपका वो मेम्ब्रेन पड़ेगा और 50 रुपये मीटर आपका दूसरा खर्चा पड़ेगा, 100 रुपये मीटर पड़ेगा। अगर आपका 2 मीटर लग रहा है या 3 मीटर लग रहा है, उस हिसाब से आप खर्चा को डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं इसकी लोड की बात करूं तो टोटल जो रहता है वो 18 से 20 किलोवाट मशीन का रहता है, एक साल की वारंटी के साथ।
Yeah.